अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो ये मैं कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो। ये फिर हम लोग होटल में चेक इन वगैरह करने के बाद हरम शरीफ गए थे उमरा कंटिन्यू करने के लिए। ये मगरिब के टाइम का टाइम, मगरिब से थोड़ा पहले का टाइम था, असर मगरिब के बीच में तभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो यहाँ मेन एंट्रेंस से अंदर जा रहे थे तवाफ़ और उमरा स्टार्ट करने के लिए। तो ये हम अंदर पहुंच गए थे एकदम काबे शरीफ की तरफ तवाफ़ करने के लिए। मैंने तवाफ़ के टाइम का वीडियो नहीं निकाला था। और फिर तवाफ़ होने के बाद हमने पानी वगैरह जमजम का पीने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर हम ये सफ़ा मारवा की तरफ चले गए थे सही करने। ये है सफ़ा का पहाड़, इसी तरह दूसरे तरफ में मारवा का पहाड़ भी है। मैंने उस टाइम का वीडियो नहीं निकाला था वापस से। और ये हम बाहर आ गए थे, उमरा ख़त्म हो गया था हमारा पूरा। और फिर साथ जा रहा था अपने बाल कटवाने के लिए। यहाँ पर ये जो आपको सामने दिख रही है बिल्डिंग, उसके नीचे ये सब सैलून्स थे। तो साथ वहीं गया था अपने बाल काटने के लिए और इस तरह हमारा उमरा हो गया था। ये दूसरे दिन नेक्स्ट डे सुबह हम लोग फजर में गए थे। तो ये एक्चुअली इन्होंने तवाफ़ के लिए बंद कर दिया था। तवाफ़ अभी ये लोग उन्हीं को करने देते जिनको उमरा करना होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आप जब चाहो तब नमाज़ के बाद या बीच में भी जाके तवाफ़ कर सकते थे। बट अभी इन्होंने ये बंद कर दिया था हर तरह से। और क्योंकि सुबह का टाइम था, बहुत रश था, तो इन्होंने एंट्रेंस भी बंद कर दिया था टूवर्ड्स काबा शरीफ जाने का, जो था सब दरवाज़े ब्लॉक थे। और ये हम लोग अंदर की तरफ भी नमाज़ पढ़ने के लिए प्रोविज़न था। तो ये आप देख सकते हैं, हम लोग फिर फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे क्योंकि नीचे पूरा फुल हो गया था नमाज़ के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि लोग ऊपर तवाफ़ कर रहे हैं क्योंकि नीचे, जैसे मैंने आपको बताया, इन्होंने बंद कर दिया था। सिर्फ जो एहराम पहन के उमरा की नियत से थे उनको ही अलाउ कर रहे थे काबा शरीफ के पास जाने। बाकी अगर किसी को तवाफ़ करना है तो वो फिर यहाँ ऊपर आके फर्स्ट फ्लोर पे कर सकते थे। तो इसीलिए हम लोग दोनों भाई बहन भी फर्स्ट फ्लोर पर आ गए थे, तवाफ़ भी हमने किया और फिर हमने नमाज भी पढ़ी यहीं से। आप देख सकते हो नीचे हमने थोड़ा सा लिया था विजुअल्स, तो कितनी रश है नीचे, बहुत भीड़ हो गई थी क्योंकि सुबह का टाइम था, ठंडा टाइम है, तो लोग उस टाइम पे बहुत आ जाते हैं उमरा वगैरह करने के लिए। तो इसीलिए हम तो फर्स्ट फ्लोर पे ही आ गए थे। तो आप देख सकते हो कितनी भीड़ है और बहुत ही अच्छा व्यू था ये। साथ ने ये व्यू आप लोगों के लिए खास ऊपर से लिया था क्योंकि नीचे तो बिल्कुल जगह नहीं थी, तो हम लोग सब ऊपर आ गए थे। और ये आप देख रहे हो ऊपर भी अभी तवाफ़ करने की रश बढ़ती जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा था सुबह सुबह यहाँ पर। और ये फिर हमारी नमाज़ हो गई थी, हम लोग बाहर जा रहे थे तो हमने मस्जिद के अंदर से भी, हरम शरीफ के अंदर भी थोड़े से वीडियो बनाया था। ये आप देख रहे हो जमजम का कैंप लगे हुए हर जगह जगह है। तो ये हरम शरीफ में अंदर सब जगह पर ये कैंप लगे हुए हैं, आप पानी पी भी सकते हो यहाँ से, भर सकते हो। आप देख रहे होगे लोग यहाँ पर अभी क्योंकि फजर का टाइम हो गया था, नमाज हो गई थी, तो लोग कुरान पढ़ रहे थे, कोई है तो रेस्ट कर रहा था अंदर हरम में। और हम लोग भी यहाँ से बस अभी बाहर की तरफ ही निकल रहे थे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत बहुत सारे कैंस हैं जमजम पानी के। पहले बाहर भी रहते थे हरम शरीफ के कोर्ट यार्ड में, अब इन्होंने बंद करके सब अंदर मस्जिद के अंदर ही रख दिया है पूरा। बस अब हम लोग बाहर निकल के फिर होटल की तरफ जाने के लिए करेंगे कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे ही है ऐसे। और आई थिंक एक और एक दो फ्लोर और है तो ऊपर तक है। और ये बस फिर हम बाहर आ गए थे, ये सुबह का टाइम था, 6 बज रहे थे 6:45। ये आप देख सकते हो हमने हरम शरीफ का पूरा यहाँ से वीडियो निकाला था। और ये जो होटल्स है ये सारी 5 स्टार 7 स्टार होटल्स है। दरअल साहिबा हिल्टन होटल है, ये हमारी होटल है क्लॉक टावर में। तो ये सारी होटल्स है, यहाँ पर होटल्स के अंदर ही मॉल्स भी है, तो अगर आपको मॉल वगैरह भी करना है, घूमना है, तो वो अंदर ही ये होटल्स में एक्सेस है। और यहाँ पर क्लाइमेट बहुत अच्छा था, आई थिंक क्योंकि मक्का पूरा पहाड़ी एरिया है तो बहुत ठंडा था, ज़रा भी हमको गर्मी नहीं लग रही थी यहाँ पर, बहुत ही प्लेजेंट और अच्छा का क्लाइमेट था। Subhanallah.
और फिर ये हम बाहर आ गए थे, कोर्टयार्ड से भी बाहर था हरम शरीफ के। ये सुबह सुबह इन्होंने छोटा सा एक मार्केट लगाया था, ओपन मार्केट था, जहाँ पर ये बहुत सी चीज़ें बेच रहे थे। कहीं पर ये बीवी मरियम के फूल बेच रहे थे, कहीं पर्स वगैरह बेच रहे थे, कहीं पर ये अभायास भी इन्होंने लगाया था, बहुत सस्ते सस्ते में बेच रहे थे ये औरतें। और ये हम लोगों ने कबूतर का दाना लिया था, यहाँ पर हमने दाना फिर कबूतरों को डाला, तो आप देख सकते हो अच्छा लग रहा था सुबह, बहुत मज़ा आ रहा था। और ये औरतें काफ़ी सस्ते में बेचती है चीज़ें। जैसे हम लोगों ने ये बीबी मरियम का फूल लिया था, ये हमें 5 रियाल के 2 फूल मिले थे। और ये पर्स वगैरह भी ये शायद कुछ 10 रियाल में 15 रियाल में बेच रही थी। अबाया का तो मैंने प्राइस नहीं निकाला था। तो ऐसे ये लोग यहाँ पर सब चीज़ें बेच रहे थे, यहाँ एकदम ये हरम के बाहर ही बेचती है औरतें। कुछ देर के लिए ये मार्केट लगता है, फिर ये पुलिस वगैरह आ जाती है तो इनको हटा देते हैं यहाँ से। तो ये आप देख सकते हैं साद ने फिर कबूतरों को दाना डाला। मेरा वीडियो एंड करती हूँ, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मदीना का डालूंगी। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर कोई आपको डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।